बिदर नगर सभा बिदर सीएमसी का आश्रय सेक्शन है। आश्रय ये सेक्शन से बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम होता है। जैसा कि जिसके पास घर नहीं है उसको हुकूमत की जानिब से घर बनाकर दिया जाता है, प्लाट दिया जाता है। मगर 1994 से आज 2024 तक यानी के 20 से 22 साल का अरसा हो रहा है, लगातार चार बार जीत रहे हैं हमारे बिदर नॉर्थ एमएलए रहीम खान साहब, बार बार चार बार जीत कर आ रहे हैं, मगर बार बार चार बार से एक बार भी गरीबों को सहारा या घर नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही नाइंसाफी और जुल्म अत्याचार हो रहा है बिदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बिलखसूस बिदर जिले की अवाम के साथ। मैं हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब से वसीमुद्दीन किरमानी कॉन्टेस्टेड एमपी कैंडिडेट बिदर इस बात की रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूं कि साहब चार दिन पहले मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के साथ आप बैठकर शिमोगा या उधर के वास्ते घरों की स्कीम का डिस्कशन कर रहे थे, घर हाउसिंग अलॉटमेंट की। तो हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब हमारे बिदर को पर भी आप तवज्जो दीजिए। बिदर भी जो सुना रियासत कर्नाटक का एक पसमंदा इलाका है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को जो है सुना घरा होना चाहिए, बेसहारा लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमारी क़ियादत उतनी मजबूत नहीं कि आपको आकर झिंझोड़े, आपको आकर एहसास दिलाए, आपको आकर बताए कि बिदर के अंदर बेसहारा लोग ज्यादा है। हमारी क़ियादत कमजोर होने की वजह से मैं आपके आपसे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरी आवाज अगर कर्नाटका हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब तक पहुंच रही है तो साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप हाउसिंग स्कीम के तहत बिदर नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम को यहां पर जो है सुना 20-22 साल का अरसा हो गया, गवर्नमेंट से सीएमसी से किसी को घर या प्लॉट नहीं मिल रहा, यहाँ पर आप वो स्कीम लाइए, लागू कराइए। राजीव गांधी जो स्कीम है उस स्कीम के तहत यहाँ पर गरीबों को घर दिलाइए। बेसहारा बेघर बहुत सारे लोग हैं, यकीनन हमारे नुमाइंदे के पास वो आवाज नहीं वो झिंझोड़ सके, हुकूमत को हिला सके। तो इसीलिए मैं अपनी आवाज निकाल रहा हूं ताकि आपके कानों तक पहुंचे और आपकी आत्मा जागे। जमीर अहमद खान साहब आपका जमीर जगाने के लिए मैं ये बात रख रहा हूं ताकि आपका जमीर जागे और बिदर की अवाम को उनका हक और अधिकार मिले, बेसहारा बेघर बिदर की अवाम को सहारा मिले, घर मिले, इस बात की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे साथ नाइंसाफी और हकतलफी ना करो, सौतेलापन मत करो, बिलखसूस हैदराबाद कर्नाटक रीजन की अवाम के साथ रियासत कर्नाटक में सौतेलापन होता है। पूरा डेवलपमेंट उधर शिमोगा दावनगिरा हासन बेंगलोर मैसूर उधर ही होता है, तकरीबन बजट कर्नाटक का वही यूज होता है। यहाँ पर खाली खाना खा के हाथ छिनके सो वो बजट हैदराबाद कर्नाटक रीजन को आता है। क्यों हैदराबाद कर्नाटक रीजन के साथ जो सो ना सौतेलापन किया जाता है, ये मैं हरगिज़ ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो। हम भी यहाँ से वोट डाल के एमएलए मुंतखब करके ऐवान असेंबली कर्नाटक में भेजते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ के जीते हुए एमएलओ के हलक में जबान नहीं है, बेचारे गुंगे हैं, अंधे हैं, भैरे हैं, अवाम की तकलीफ नहीं समझते, ये हमारी मजबूरी है। मगर हर कोई मजबूर नहीं है, वसीमुद्दीन किरमानी के हलक में अल्लाह ने जबान दिया है, सर में आंख दिया है, दिमाग दिया है, और मैं अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत से अपनी आवाज से आप तक ये मैसेज भेज रहा हूँ कि आप बिदर के अवाम के साथ इंसाफ कीजिए, हकतलफी ना कीजिए। अगर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो हम यकीनन बहुत बड़ा एहतजाज और धरना देंगे, बेंगलुरु में आकर जमीर अहमद खान साहब के ऑफिस के सामने हम एहतजाज करेंगे बेघर बेसहारा लोगों के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।